नेक्स्ट जो हमारी पेंटिंग है वो है भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। भरत मीट रामा एट चित्रकूट जो पेंटिंग है वो अ सीन फ्रॉम रामायणा, रामायणा का एक सीन है जिसको आर्टिस्ट ने पेंट किया है। तो चित्रकूट वो स्थान है जहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जो थे वो वनवास के टाइम जहाँ पे रहते थे, उस जगह का नाम, उस पर्वत का नाम है चित्रकूट। इसके आर्टिस्ट हैं गुमान स्कूल, जयपुर स्कूल, पीरियड 18th century AD और सिरका AD 1740-50। इसका टाइम पीरियड है एक्सप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 18th century का बताया है, लेकिन उन्होंने 1740 और 50 सिरसा लगभग उन्होंने ये टाइम पीरियड भी उसका साथ में ब्रैकेट में आपको शो कर रहे हैं। और मीडियम है इसका टेम्परा वाटर कलर्स ऑन पेपर, कर्टसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इसका सब्जेक्ट मैटर है द पेंटिंग डिपिक्ट अ सीन फ्रॉम रामायणा व्हेन भरत कम्स टू चित्रकूट टू मीट रामा विद हिज थ्री मदर्स एंड गुरु विश्वामित्र। ये पेंटिंग जो है वो एक सीन के ऊपर आधारित है, एक सीन के ऊपर बनाई गई है जो एक रामायणा का सीन है जब भरत जो है वो चित्रकूट आते हैं रामा को मिलने के लिए अपनी तीन मदर्स के साथ एंड गुरु विश्वामित्र के साथ। वेरियस एपिसोड हैव बीन शोन इन अ सिंगल सीन, इसमें बहुत सारे जो हैं वो सीन शो किए गए हैं एक सिंगल पेंटिंग में, एक बहुत सारी जो वेरियस जो हैं सीन्स हैं इसमें एक सिंगल ही पेंटिंग में उन्होंने बहुत सारे सीन जो हैं वो डिपिक्ट कर दिए हैं। अब हम इस पेंटिंग की जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्शन में हमें क्या बताया गया है, इन द बैकग्राउंड द यूज़ ऑफ ग्रीन कलर इन डिफरेंट शेड्स इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस पेंटिंग। अब इसकी जो बैकग्राउंड है उसमें ग्रीन कलर की बहुत सारी शेड्स जो हैं वह यूज़ की गई हैं, जैसे सैप ग्रीन, ग्रेडियंट ग्रीन, लाइट डार्क शेड्स जो बहुत ज़्यादा हैं इसमें, तो वो इस पेंटिंग की एक स्पेशल जो है वो बात है। और इन द बैकग्राउंड एंड इन फ्रंट ऑफ द हर्ट्स राम सीता एंड लक्ष्मण स्टैंड आउट अगेंस्ट द ग्रीन फॉरेस्ट। और इसके फोरग्राउंड में हमें इस पेंटिंग में क्या बताया गया है कि जो हट है, जो घर बने हुए हैं या कुटिया जो हैं वो बनी हुई हैं, उनके बिल्कुल सामने राम सीता और लक्ष्मण को खड़े हुए दिखाया गया है और अगेंस्ट द ग्रीन फॉरेस्ट। ग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पीछे है और उसके आगे जो है वो घर बने हुए हैं और घर के आगे राम सीता और लक्ष्मण को जो है वो खड़े हुए दिखाया है। बिहाइंड द हट अ ग्रोव ऑफ लश ग्रीन बनानास ट्रीज हैज़ बीन पेंटेड। बिहाइंड होता है पीछे एंड ग्रोव होता है बाग। इस बिहाइंड पीछे जो हट है, जो घर के पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो बाग बनाया इस पेंटिंग में दिखाया गया है वो, और वो बाग जो है लश्क वसीला जो बनानास हैं बहुत सारे ट्रीज बनाए गए हैं, बनाना ट्रीज बनाए गए हैं इसके पीछे। और दिस स्मॉल पेंटिंग हैज़ अबाउट 49 फिगर्स इन द सेंटर ऑफ द पेंटिंग। अब इस पेंटिंग में 49 फिगर्स जो हैं वो सेंटर में बनाई गई हैं और इस पेंटिंग में बहुत सारे सीन्स जो हैं वो डिपिक्ट किए गए हैं। एक ही पेंटिंग में बहुत सारे सीन बनाए हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी फिगर्स जो हैं वो बनाई गई हैं। रामा हैज़ बीन शोन प्रोटेस्टिंग ऑन द ग्राउंड टचिंग द फीट ऑफ हिज गुरु। और राम को जो है प्रोटेस्टिंग होता है कि दंडवत प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम वो नमस्कार कर रहे हैं जैसे अपने गुरु के जो फीट जो है वो टच कर रहे हैं। वो इस पेंटिंग में ऐसे राम को दिखाया गया है कि वो अपने गुरु के फीट जो है वो टच कर रहे हैं, उनको एज जो है वो दंडवत प्रणाम उनको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण स्टैंड नियर बाय फेसिंग विश्वामित्र विद फोल्डेड हैंड्स। और एक साइड में जो लक्ष्मण है उनको पास में ही खड़े हुए दिखाया गया है और वो विश्वामित्र को जो है वो फोल्डेड हैंड के साथ उनकी तरफ उन्होंने फेस जो है वो किया हुआ है, वो भी उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनको एज जो है वो उनके गुरु हैं तो उनको रिस्पेक्टफुली
वे के साथ उनको नमस्कार जो है वो करते हुए इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं। एट वन प्लेस रामा इज मीटिंग हिज मदर, और एक साइड में एक जगह पे राम को जो है वो अपनी मदर के साथ मीटिंग करते हुए दिखाया गया है, वो अपनी मदर के साथ जो है वो उनको मिल रहे हैं, और एक साइड में जो है ऐसी पिक्चर दिखाई गई हमें बनाई गई इस पेंटिंग में। सम लेडीज कैन ऑल्सो बी सीन इन प्रोफाइल स्टैंडिंग एंड सिटिंग, और कुछ लेडीज़ जो हैं वो प्रोफाइल जो पोज है उसमें बनाई गई हैं, और कुछ खड़ी हैं और कुछ सिटिंग पोजीशन में हैं, और इस पेंटिंग में बहुत सारी फिगर्स जो हैं वो लेडीज़ की हैं, ज़्यादातर इसमें लेडीज़ की फिगर्स जो हैं वो बनाई गई हैं। इन फ्रंट ऑफ ऑल फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी अ स्ट्रीम ऑफ वाइट एंड रेड लोटस फ्लावर्स, और बहुत सारी जो फिगर्स हैं इसमें बनाई गई हैं, तो इन द फ्रंट ऑफ ऑल फिगर्स जो फिगर्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उनके सामने हमें एक स्ट्रीम, एक नदी जो है वो दिखाई दे रही है, और उसके बीच में वाइट और रेड कलर के जो लोटस फ्लावर्स हैं वो बनाए गए हैं। बहुत ब्यूटीफुली इस पिक्चर को बनाया गया है, एक स्ट्रीम है और उसमें लोटस जो है वो बहुत सारे लोटस जो है वो बनाए गए हैं। एट दिस टाइम मुगल इन्फ्लुएंस हैज़ रिसीडेड एंड जेन्युइन जयपुर स्टाइल केम इनटू प्रोमिनेंस, अब इसमें जो है मुगल इन्फ्लुएंस कह रहे हैं कि रिसीडेड का मतलब होता है कि कम, बहुत कम, एंड जेन्युइन का मतलब होता है कि वास्तविक, प्रोमिनेंस का मतलब है इसमें प्रमुख जो मेन है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं कि बाकी जो पेंटिंग्स हैं बहुत सारी पेंटिंग्स में मुगल इन्फ्लुएंस जो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पेंटिंग में जो है वो मुगल इन्फ्लुएंस बहुत कम है, रेसिडेंट मतलब बहुत कम है, किसकी बजाय, और इसकी बजाय जो है वो जयपुर स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा मुख्य इस पेंटिंग में मेन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें पेंटिंग को दिखाया गया है, और इसमें जयपुर स्टाइल के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को बनाया गया है। और ये जो पेंटिंग है अब इसमें आपको पता है कि ग्रीन कलर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, डिफरेंट शेड्स जो हैं वो ग्रीन की यूज़ की गई हैं, और ग्रीन कलर के साथ ही जो हर्ट्स हैं कुटिया है वो बनाई गई हैं। पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो बाग दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे बनाना ट्रीज जो हैं वो बनाए गए हैं, एंड मेन इसका इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि इसमें 49 फिगर्स, एक ही पेंटिंग में 49 फिगर्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट सीन्स जो हैं वो इसमें डिपिक्ट किए गए हैं। अब जैसे इसकी फोरग्राउंड में आप देख रहे हो बहुत सारे ट्रीज हैं, एक स्ट्रीम है, नदी है, और इसमें लोटस हैं, वाइट कलर के रेड कलर के लोटस फ्लावर्स बनाए गए हैं, और ट्रीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन कलर की शेड्स के साथ बनाई गई हैं, और बैकग्राउंड में पीछे कुछ माउंटेन्स हमें दिखाए गए हैं, शो हो रहे हैं इस पेंटिंग में। और इस पेंटिंग में जो राम, सीता और लक्ष्मण जो हैं अपनी मदर के साथ या अपने गुरु के साथ जो हैं वो भरत के साथ मीटिंग करते हुए इसमें इस सारी पेंटिंग में इस तरह के जो सीन हैं वही इसमें बनाए गए हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। तो अब हमारा जो राजस्थानी जो मिनिएचर पेंटिंग है यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो हमने सारा राजस्थानी पेंटिंग जो मिनिएचर पेंटिंग है वो पढ़ लिया है। तो आपको मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स जो हैं वो भी बताई हैं कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं या आती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट जो हैं। राजस्थानी जो मिनिएचर पेंटिंग है उसके करेक्टर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें जितनी भी पेंटिंग्स हैं आई थिंक इसमें 6 पेंटिंग्स हैं जो हमने पढ़ी हैं, तो वो 6 पेंटिंग्स जो हैं वो 6 की 6 पेंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। आप कोई भी पेंटिंग जो है वो स्किप नहीं कर सकते, लाइक इसमें आपको सारा सिलेबस जो है वो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ इसमें हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन सी पेंटिंग वो आएगी या कौन सी पेंटिंग नहीं आएगी, तो इसीलिए आपको एटलीस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन, उस पेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत कुछ अगर पता होगा तो तभी आप एग्ज़ाम में उसके बारे में लिख सकोगे, और ये बहुत ही इजी जो है इसका पेपर जो है वो होता है।